students, good morning. Today we will start our day with a prayer. So join your hands and close your eyes. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Good morning everyone. Now open your eyes and put your hands down. So students, अब हम हमारी हिंदी वर्णमाला 2 यानी बाराखड़ी की बुक शुरू करेंगे. सो टेक आउट द पेज. उसमें क्या है? उसमें पहले में है अक्षरों के अवयव. यानी इसमें क्या लिखा है देखिए. यानी इस साइड वाला आपको देखना है, फिर पेंसिल से घुमाइए यानी इस पर ट्रेस करना है, और लकीरें खींचे यानी जैसा पहले बॉक्स में किया है वैसे ही आपको करना है. ओके, तो पहले में क्या है? स्लिपिंग लाइन. तो यहाँ पे आपको स्लिपिंग लाइन ट्रेस करनी है और यहाँ पे स्लिपिंग लाइन करनी है. फिर है स्टैंडिंग लाइन. तो स्टैंडिंग लाइन ट्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर स्लैंटिंग लाइन है, तो स्लैंटिंग लाइन ट्रेस करेंगे और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. फिर है इस तरफ स्लैंटिंग लाइन. तो जैसा आगे के बॉक्स में दिया है वैसे ही सारा हमें ट्रेस करना है और फिर ड्रॉ करना है. फिर यहाँ कर्व है, तो पहले छोटा कर्व, फिर बड़ा कर्व, फिर नीचे है उल्टा कर्व. पहले छोटा कर्व और फिर उल्टा कर्व. फिर हम छोटा सा यू करेंगे, पर ये पूरा सर्कल जैसा सर्कल नहीं बना देना है, हमें हाफ सर्कल ही करना है. फिर उल्टा हाफ सर्कल करना है. ओके, तो ऐसे ही ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है. अब नेक्स्ट पेज देखेंगे. इसमें सारे स्वर लिखे हैं. क्या लिखा है? स्वर. अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह. तो ये सारे स्वर पहले आपको लिखना है, ट्रेस करना है, और फिर ये पूरे पेज में आपको स्वर लिखना है. ओके, तो ये है स्वर. अब नेक्स्ट पेज देखेंगे. नेक्स्ट पेज में है क. सॉरी, क से ज्ञ है. क्या है? क से ज्ञ, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं. क ख ग घ अंग. अंग आप लिखना हो तो लिख सकते हो, वरना स्किप कर देना है. च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स श स ह श त्र ग्न. तो ये आपको क से ग्न लिखना है. ओके, तो ऐसे ही आपको ये 3 पेज कंप्लीट करना है बाराखड़ी के टेक्स्ट बुक में. ओके, पहले लाइन्स ड्रॉ करना सीखना है, फिर नेक्स्ट पेज में स्वर लिखना है, और उसके बाद व्यंजन लिखने हैं. व्यंजन क से न लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.